पर्बतसर मेरा बुथ मेरा गौरव अभियान की बैठक आयोजित नागौर पर्बतसर पीसीसी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस पर्बतसर और मिठड़ी के संयुक्त तत्वाधान में पर्बतसर क्षेत्र में मेरा बुथ मेरा गौरव अभियान की बैठक गुरुवार को विनायक गार्डन गिंगोली रोड पर्बतसर पर आयोजित की गई, जिसमें आम जन युवाओं बुथ कार्यकर्ताओं से संपर्क कर प्रत्येक बुथ को मजबूत बनाने हेतु 5-5 बुथ एजेंटों की सूची तैयार करने को लेकर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि अब की बार किसी को भी टिकट मिले हम सब साथ रहेंगे। पूर्व विधायक बिरथा राम चौधरी, लच्छा राम बडारडा, गिरधारी लाल मुदलिया, नैनू राम लेगा, दलपत सिंह रूनिजा ने पर्बतसर विधानसभा क्षेत्र से कांग रेस की सीट को जीत दिलवाने का आह्वान किया। वही ब्लॉक अध्यक्ष पूरा राम चौल ने मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा पर निशाना साधा, कहा अब कितनी ही गौरव यात्रा निकालो, अब तो विदाई यात्रा होगी। जिला उपाध्यक्ष गिरधारी लाल मुदलिया ने संबोधन में करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है। 15 लाख नौकरियों का वादा किया लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला। भाजपा सरकार की तो जितनी भी नाकामियां गिनाए वही कम है। दलपत सिंह रूनिजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि विदेशों में भारत का रुपया बांटकर आ रहे हैं लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई है। वही मीडिया प्रभारी नैनू राम ने कहा जनता भाजपा सरकार से उब गई है, अब जनता ने मन बना लिया कि सरकार को कांग्रेस की आएगी, इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। इसमें पूर्व विधायक बिरथा राम चौधरी पीसीसी सदस्य व पूर्व प्रधान बनाराम रिणवा, पीसीसी सदस्य लच्छाराम बड़ारड़ा, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दलपत सिंह रुनिजा, पर्बतसर ब्लॉक अध्यक्ष पू राराम चोयल, जिला परिषद सदस्य नैनूराम लेगा, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी लाल मुंदलिया, जिला उपाध्यक्ष भंवराराम मुंडेल, जिला सचिव शंकर मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य विनीता राठौर, पालिकाध्यक्ष रुचि बोहरा, वाइस चेयरमैन लोकेश सैनी, गणेश सोलंकी, फोटो एसोसिएशन अध्यक्ष चेतन दास खीसा माली आदि मौजूद थे। पर्बतसर से जुगल किशोर शर्मा की रिपोर्ट।